हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए मेरे लेटेस्ट डिज़ाइनर वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिज़ाइनपुर में। तो आज मैं आपको स्लिप की डिज़ाइन दिखाऊंगी, देख लीजिए। तो मैंने स्लिप की जो लेंथ रखी है, देखिए, विथ वो 11 इंच है और लेंथ इसकी 6 इंच है। और 3 इंच मैंने, देखिए, पीछे के साइड है और 3 इंच की मैंने गोलाई दिया हुआ है स्लिप में। अब चलिए मैं डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ। तो 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे नीचे के साइड से। अब यहाँ से हम राउंड में करते हुए स्लिप के नीचे से भाग मिला देंगे। ये देखिए मैंने मार्किंग कर दी है। अब इसको मैं कट कर देती हूँ स्लिप को। यहाँ से हम कटिंग कर देंगे जहाँ से मार्क किया है। देखिए मैंने कटिंग कर दी है स्लिप की। मैंने गपला लिया है, अब इसका भी सेम ऐसे ही कटिंग कर देंगे। अब इसको मुझे स्टिच करना है, तो दोनों को बिल्कुल बराबर में रख लेते हैं। अब हम सिलाई लगा के दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट कर देंगे दूसरे के साथ में। ये देखिए मैंने स्टिचिंग कर दी है दोनों की। अब इस पर हम कट्स लगा देंगे। पूरा अच्छे से पूरा कट्स लगा दीजिएगा, इससे हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही आएगा जैसे हम बनाना चाहते हैं। अब इसको मैं पलट कर सीधा कर देती हूँ। तो मैंने, देखिए, इसको पलट कर सीधा कर दिया है। अब एक सिलाई लगा के इसको हम स्टिच कर देंगे। तो साइड से बिल्कुल अच्छे से बनाते हुए डिज़ाइन को पूरा स्टिच कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने कम्प्लीटली स्टिचिंग कर दी है, ये देख लीजिए। अब इसकी नीचे के साइड से स्टिचिंग करेंगे, तो दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला लेंगे स्टिच करके। तो ये देखिए मैंने कम्प्लीटली पूरा स्टिचिंग इसकी कर दी है। अब मुझे इस पे डिज़ाइन करना है, तो इसको साइड करते हैं। ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसके मैं स्क्वायर साइज में कुछ पार्ट्स को कट कर देती हूँ। स्क्वायर साइज में देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ। ये मैंने कटिंग कर दी है, इनको हम अलग अलग कर देंगे। अब इसका मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, तो मैं कैसे डिज़ाइन बनाऊंगी आप वीडियो में देख लीजिए। सेम इसी तरीके से आपको भी डिज़ाइन बनाना है। ये देख लीजिए, ये मेरी डिज़ाइन बन चुकी है। इसको मैं थ्रेड्स की सहायता से यहाँ से बांध लेते हैं। ये देख लीजिए, ये मेरी डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है। एक इसी तरीके से मैं आपको कुछ और बना के दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगी कैसे मैं डिज़ाइन को बना रही हूँ। देख लीजिए मैंने इसको भी बना लिया। इसको भी यहाँ से हम थ्रेड की सहायता से बांध लेते हैं। तो मैंने कम्प्लीटली, देखिए, पूरा डिज़ाइन को बना दिया है। अब इसको साइड करेंगे। अब मैं स्लिप ले लेती हूँ और इसके साइड में हम डिज़ाइन को स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं आपको डिज़ाइन को स्टिच करके दिखा देती हूँ यहाँ से। तो मैंने, देखिए, डिज़ाइन ले लिया। यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम निकाल देंगे कट करके। इसी तरीके से आप भी निकाल दीजिएगा। अब इसको हम स्लिप पे रखते हुए डिज़ाइन को स्टिच कर लेते हैं। तो देख लीजिए वीडियो में मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी डिज़ाइन के साथ में, सॉरी, आस्तीन के साथ में डिज़ाइन को स्टिच करना है। तो मैंने कम्प्लीटली, देखिए, डिज़ाइन को स्टिचिंग कर दी है। अब इस पर मुझे लैस लगाना है, तो मैंने लैस ले लिया है। अब साइड में इसके हम लैस को रखते हुए पूरा लैस को स्टिच कर देंगे। तो वीडियो में देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर वी शेप बनाते हुए स्टिच कीजिएगा लेयर्स को, तो हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। अब दूसरे साइड से भी हम लेयर्स को पूरा स्टिच कर देते हैं। तो मैंने, देखिए, कम्प्लीटली पूरा लेस स्टिच कर दिया है स्लीप पे। अब यहाँ से मुझे, ये मैंने, देखिए, फैब्रिक लिया है स्क्वायर साइज का और डोरी लिया है। तो हम डोरी के नीचे के साइड से फैब्रिक से डिज़ाइन करेंगे।
यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे, तो मैं फ्लावर बना लेती हूँ इसका। सेम ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा। ये देखिए मेरा ये बन चुका है। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। अब इसको मैं पलट कर सीधा कर देती हूँ। ये देखिए एक साइड से मैंने बना दिया है, दूसरे साइड से भी ऐसे ही बनाएंगे। तो मैंने देखिए ये दोनों साइड से कम्प्लीटली बना लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे और इसको भी पलट कर सीधा कर देंगे। तो मेरा अच्छे से देखिए ये बन चुका है। अब इसको साइड करते हैं। ये मैंने स्लिप लिया है। अब इसके जो मैंने डिज़ाइन बनाया उस पर मैं मोती लगाऊंगी। तो चलिए मैं मोती लगा के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम अच्छे तरीके से मोतियों को लगा देते हैं। तो मैं मोतियों को कैसे लगा रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए, ये बहुत ही ईजी है। इस तरीके से देखिए मैंने पूरा मोती लगा दिया है। अब यहाँ से हमें डिज़ाइन करना है। तो जो मैंने फ्लावर बनाया था अभी दोनों साइड डोरियों पे, उस फ्लावर को हम यहाँ से स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए मैं डोरी को कैसे स्टिच कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी डोरी को स्टिच करना है। यहाँ से मैं डिज़ाइनर बटन लगाऊँगी। तो पहले हम डोरी को स्टिच कर देते हैं। ये देखिए मैंने डोरी की स्टिचिंग कर दी है। मेरी डोरी कम्प्लीटली स्टिच हो चुका है। अब इसके ऊपर से हम जो है डिज़ाइनर बटन लगा लेते हैं और मेरी डिज़ाइन देखिए कम्प्लीट हो जाएगा। ये मैंने बटन लिया, यहाँ से हम बटन को अच्छे से लगा देंगे। मेरी स्लीव डिज़ाइन देखिए ये बिल्कुल कम्प्लीट है। ये कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, ये देख लीजिए। ये मेरी ब्यूटीफुल सी स्लीव डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, हमें कमेंट करके बताइएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।